वर्तमान में भारत की जो स्थिति है, सबसे ज्यादा युवा भारत में है और भारत के युवाओं का भविष्य ही खतरे में है। भारत में सबसे ज्यादा नौजवान है, युवा है और युवाओं का भविष्य ही खतरे में है। पढ़े लिखे लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं। वर्तमान इस विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा करने का देश भारत हो गया है। आप डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं, पूरा सिस्टम को इन्होंने बेच दिया है। हमारे लोग पढ़े लिखे लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, पूरे देश का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। हमारे लिए राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की समस्या के लिए इस देश की जो मनवाली व्यवस्था को स्थापित करने वाली जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, जिनके जो अफूट संगठन है, युवाओं के संगठन है, विद्यार्थियों के संगठन है, जैसे कि एनएसयूआई है, एबीवीपी है, एसएफआई है, कम्युनिस्ट और संगठन है, या क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग संगठन है, क्या हमारी राष्ट्रीय लेवल की समस्या का समाधान करने के लिए वो लोग कोई एजिटेशन कर रहे हैं? उनके पास कोई प्लान है? समस्याएं पूरे देश भर की हैं, लेकिन राष्ट्रव्यापी समस्या का समाधान करने के लिए उनके पास कोई ऐसा प्लान है? उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं। वो लोग उन समस्या को और बढ़ावा देने के लिए हमारे युवाओं को इस्तेमाल करते हैं, इनके छात्र संगठनों में हमारे युवाओं का इस्तेमाल करते हैं, इनके छात्र संगठनों में इनके बैनर लगाने हैं, पोस्टर लगाने हैं, लड़ाई झगड़ा करना है, डंडे उछाने हैं, झंडे उछाने हैं कि हमारे स्टूडेंटों को इस्तेमाल करते हैं। और जब लीडरशिप नेतृत्व का की बात आती है, नेतृत्व वही लोग करते हैं, हम लोगों को केवल इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद हम लोगों में लीडरशिप पैदा नहीं होने देते। उनको पता है इस देश के 85% लोग ये हैं। इस समाज में यदि नेतृत्व पैदा हो गया तो हमने जो हजारों प्रकार की समस्याओं का निर्माण किया है, ये लोग उनके समाधान के लिए खड़े होंगे। उनके अंदर नेतृत्व पैदा हो गया तो समाज की जो हमने समस्या पैदा की है उनके समाधान के ये लोग लाभवान होंगे, एक होंगे। और हम नाम मात्र के लोग हैं और ये 85% लोग हैं, तो हमने जो आज दिन तक इनके इनका इस्तेमाल किया है, इनको जगह जगह हम लोगों ने अलग अलग प्रोपोगंडे बनाकर, मानसिक रूप से गुलाम बनाकर, इनके ऊपर जो हमने मनगढ़ंत व्यवस्था को थोपा है, इनका समाधान करने के लिए ये लोग तैयार हो जाएंगे। इसीलिए हमारे समाज में नेतृत्व तो पैदा नहीं हो, इसके लिए उन्होंने उनके छात्र संगठनों में हमारे छात्रों का इस्तेमाल किया। आज इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा बड़ी समस्या है। क्या एनएसयू, एबीपी या कम्युनिस्टों के संगठन या युवाओं के संगठन, इस देश की राजनीतिक पार्टियों के संगठन, वो क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल है। उन्होंने देश को बेचने का काम किया। इस देश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है उनके मालिक वो हैं, उनके बेटे बेटी भाई भतीजे काका ताऊ वो सब लोग वहां इस्टेब्लिश्ड है, सब सेटल है। ये व्यवस्था केवल हमारे लिए लागू की, वो क्यों बात करेंगे बेरोजगारी? इस देश का सबसे बड़ा अहम जो पहल है मीडिया, वो भी इन चीजों को नहीं रख रहा है। इस देश में एनसीआरबी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग पर डे भारत में 38 युवा सुसाइड कर रहे हैं। 38 में से केवल 28 तो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं जो बेरोजगारी की मार, रोजगार नहीं मिलने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, और गुलाम मीडिया उनकी चार लाइन कहीं न्यूज नहीं दे रहा है या नए इस बात को, इस मुद्दे को उठा रहा है। देश में हमारे युवा आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए लोग, इस देश की व्यवस्था के गुलाम लोग जो मीडिया के लोग हैं, वो भी उस बात को उठाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विषमता इस देश में पैदा की गई। भारत में वर्तमान में जो बेरोजगारी की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए इनके पास कोई एजिटेशन, कोई प्लान नहीं है। लेकिन पिछले लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से मैं भी बेरोजगार हूं इसके नाम से हमने देश भर में एजिटेशन किया। अर्धनग्न होकर हम लोगों ने एजिटेशन किया, हमारी छात्रों ने काली फीत और काला रेबिन बांधकर मैं भी बेरोजगार हूं के नाम से हमने हैशटैग लगाकर सोशल मीडिया में, जब हमारे लोगों को पूरे देश भर में हमारे लोगों को घरों में कैद कर दिया गया था, घरों पे कैद होने के बाद उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया गया था, लेकिन भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से हम पूरे देश भर में एजिटेशन कर रहे थे।
कि इस कोरोना की आड़ में हमारे मजदूर किसान युवाओं को मारने के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं, हम इसके लिए चुपचाप या साइलेंट होकर नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए ऐसे लॉकडाउन में भी जो घरों से बाहर निकलने दिया जा रहा था, उसके बावजूद भी हमारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहां जाकर ज्ञापन देने का काम सोशल मीडिया में हम लोग रात को 12 बजे, 2 बजे, सुबह 7 बजे, 4 बजे हम लोग हैशटैग लगाकर टेलीग्राम और ट्विटर के माध्यम से हम लोग ट्रेंड चला रहे थे और ये लोग सो रहे थे। ये भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्रिएट किया। 5-5.5 लाख हमारे ट्वीट रिट्वीट हुए हैं लॉकडाउन के दौरान। बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों ने एजिटेशन किया। तो साथियों, इस तरीके की व्यवस्था इन मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा की गई, लेकिन इस देश का चौकीदार और त्रिपाल की सरकार ये कह रही है कि वर्तमान में बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे कम हुई। सोचो आप कि लॉकडाउन के दौरान जो हमारे लोग घरों में कैद थे, आत्महत्या कर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, डिग्री लेकर घूम रहे थे, उसके बावजूद 38 युवा पर डे सुसाइड कर रहा था, उसके बावजूद वर्तमान में बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, कैसे कम हो सकती है? क्योंकि इस जो जुमलेबाज ने जो हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया था कि तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, मैं 10 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, ये दूंगा, वो केवल जुमलेबाजी थी, उससे कुछ नहीं हुआ। हमारे जो लोग थे वो रोजगार कार्यालय, पंजीयन कार्यालय जाकर पंजीयन करवा रहे थे, पंजीयन का भी ई मित्र के माध्यम से जो पैसा लग रहा था, उन लोगों ने उन पंजीयन करवाते करवाते थक गए कि अभी नौकरी मिलने वाली है नहीं, इसीलिए वर्तमान में हमारे लोगों ने पंजीयन कराना बंद कर दिया। तो ये चौकीदार कह रहा है कि बेरोजगारी कम हो गई। अरे भैया, बेरोजगारी कम नहीं हुई है, बड़े तादाद में इस देश के हालात इस तरीके से पैदा कर दिए गए हैं कि हमारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और अपने स्टेट को, जिले को, उनको तहसील ब्लॉक को छोड़कर दूसरे जिलों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर काम करने के लिए ला रहे थे। इस कदर बेरोजगारी पैदा कर दी गई। इस देश का जो मीडिया है, इस देश के सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे द्वारा जो एजुकेशन किया जा रहा, लेकिन देश का जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वोकल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया है, वो हमारी रियल बात को वहां नहीं दिखा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए ये बेरोजगारी के आंकड़े गलत प्रकाशित करके हमारे लोगों को गुलाम बनाने का जो काम किया जा रहा है, साथियों इनके बारे में हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। वर्तमान में जो सिचुएशन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा स्थापित की गई, लेकिन बामसेफ के जो ऑफशूट विंग्स हैं विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा, इसके माध्यम से हम पूरे देश भर में जो एजिटेशन कर रहे हैं, और हम लोगों ने जो युवाओं के माध्यम से जो पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर प्लान खड़ा किया है, उसके बारे में आज यहाँ मीटिंग रखी गई कि किस तरीके से हम लोग इस बिहार में भी हम लोग हमारी जो मूल निवासी व्यवस्था जो उस जमाने में थी, कि मेरे से पूर्व के सर भी बता रहे थे कि बिहार है, ये बिहार गौतम बुद्ध की विहार की धरती है, ये आंदोलन एजिटेशन की धरती है, यहां से पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी दिशा दशा देने का काम किया है। विश्व की पहली विश्वविद्यालय है तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की है। विदेशी लोग भारत में आके पढ़ते थे तो वो बिहार में आके पढ़ते थे, और विश्व का सबसे बड़ा ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें इन ब्राह्मण लोगों ने आग लगा दी तो 6 महीने तक तो वहां का साहित्य चलता रहा। हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं, हम वहां के मूल निवासी हैं, यहाँ से बहुत बड़े तादाद में हम लोगों ने एजिटेशन किए हैं। यहाँ गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी के जो 24 तीर्थंकर हैं वो भी यहीं पैदा हुए हैं, और बहुत बड़े लेवल पे बिहार में एजिटेशन हुआ है। बिहार किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ की मनुवादी सरकारों ने या मनुवादी लोगों ने जिस तरीके से बिहार के स्ट्रक्चर को एक पूरे देश भर में एक आईना तैयार किया है कि बिहार बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, बिहार में कोई विकास नहीं है, बिहार में कोई और अलग प्रकार का कोई उद्योग धंधे ये नहीं है। विश्व को ज्ञान देने का काम, दिशा देने का काम, विश्व को एक शिक्षा और प्रकाश देने का काम केवल बिहार की धरती ने किया है। बहुत बड़े लेवल पर यहां जो एजिटेशन हुआ है,
जिसमें तक्षशिला, नालंदा, ये यहीं की यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें बड़े लेवल पे हमारे विदेशी लोग भारत में आकर पढ़ते थे, यहाँ जाके विदेश में जाके भारत की बात रखते थे। हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं। वर्तमान में पहले यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा था, लेकिन 2001 में जब बिहार को छोड़कर अलग स्टेट झारखंड का निर्माण हो गया तो बिहार में अभी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और 9 प्रमंडल, जिसको आप कमिश्नरी बोल सकते हैं, 9 कमिश्नरी हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में वर्तमान में। और 38 डिस्ट्रिक्ट में और 9 कमिश्नरी में बिहार जो फैला हुआ है, बिहार में बहुत बड़े लेवल पर टैलेंटेड लोग हैं। आप IAS IPS की सूची उठा के देखते हैं तो सबसे ज़्यादा IAS और IPS पैदा देने वाला देश में कोई स्टेट है वो बिहार है। आपका अभी हाल ही में 2019 का जो UPSC टॉपर कुशवा, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, शुभम कुशवा, 878 रिटर्न में टॉप 10 में नंबर 1 इंडिया का टॉपर था, 887 नंबर उसे आए थे रिटर्न में। और 10वें नंबर की जो लड़की थी अल्पा शुक्ला, वो रिटर्न में 10वें नंबर पे थी, लेकिन इंटरव्यू में उस शुभम कुशवा को 10वें नंबर पर 176 176 नंबर इंटरव्यू में दिए गए। और अल्पा शुक्ला नाम की जो लड़की थी जो रिटर्न में उसके 10वें नंबर पे थी, उसको इंटरव्यू में पहले नंबर पे 212 नंबर दिए गए। हमारे टैलेंट को दबाया गया है, इस तरीके की वर्तमान में व्यवस्था लागू की गई है। तो साथियों, बिहार में बहुत बड़े लेवल पर एजुकेशन और टैलेंटेड लोग हैं। हम उसकी धरती से हैं, बुद्धा की धरती से हैं, जो विश्व को बहुत बड़े लेवल का ज्ञान देते हैं, क्योंकि इस देश का चौकीदार भी विदेशों में जाता है वो ये बोलता है मैं बुद्धा की धरती से आया हूं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो इस देश को, पूरे विश्व को जो एक चेहरा दिया, एक आइडियोलॉजी दी, उसके आधार पर भारत की पहचान है। वहां जाकर इस जो मनगढ़ंत जे कई प्रकार के इन्होंने जो प्रोपेगेंडे फैलाकर हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया, उनको विदेशों में कोई जानता नहीं, पहचान है गौतम बुद्धा के नाम से ही है, वो लोग वहां जाकर उसी की बात। तो साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने जो एजुकेशन पूरे देश भर में किया और इसकी स्थापना हमने राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 2011 में की गई थी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की स्थापना।